हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी गाइस इस वीडियो में हम जो है क्लास नाइन्थ का जो आपका साइंस का चैप्टर है मोशन वो हम डिस्कस करेंगे गाइस ये मेरी वीडियो का पार्ट टू है और इससे पहले जो मेरी वीडियो थी पार्ट वन उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट गाइस इस वीडियो में देखते हैं हम क्या क्या पॉइंट्स है जो इसमें इस, इस चैप्टर के मोशन चैप्टर के हम डिस्कस करेंगे सो so, फर्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन हम इस इस वीडियो में देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट डे हमारा एसलेशन देखेंगे एक्सलेशन क्या होता है उसकी क्या फॉर्मूलेज हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा रिटार्डेशन उसके बाद हम देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सलेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेशन क्या होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन मोशन को हम कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम वो देखेंगे एंड द लास्ट वन इज द इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशंस देखेंगे ठीक है सो नेक्स्ट ये स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मोशन क्या होता है और उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या होता है ठीक है सो मोशन जो है हमारा बेसिकली टू टाइप्स होता है द फर्स्ट वन इज़ द यूनिफॉर्म मोशन एंड द सेकेंड वन इज़ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन सो आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो यूनिफॉर्म मोशन है और जो नॉन यूनिफॉर्म है इसका क्या डेफिनेशन होती है क्या ये होता है इसको हम आगे समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ठीक है सो नेक्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन तो फर्स्ट था हमारा यूनिफॉर्म मोशन उसकी क्या डेफिनेशन होती है वो हम देखते हैं वेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन ठीक है सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सो so, उस टाइप की मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन ठीक है जब इक्वल कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उस टाइप के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन फॉर एग्जांपल हम देखते हैं अ कार इज रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड विद विल कवर इक्वल डिस्टेंस फोर मीटर एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम टू सेकेंड सो इट्स मोशन विल बी अ यूनिफॉर्म ठीक है तो इसमें ये क्या कह रहा है कोई कार है जो रन कर रही है कॉन्स्टेंट स्पीड से और वो जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है लाइक फोर मीटर कवर कर रही है एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम टू सेकेंड सो इट्स मोशन विल बी अ यूनिफॉर्म मोशन सपोज ये एग्जाम्पल देखते हैं इस इमेज के थ्रू ये कार है ठीक है एक कार है वो उसने मूव किया ओ से ए तक ठीक है ओ से ए तक उसने मूव किया फ़ोर किलोमीटर और टाइम उसका रहा टू सेकेंड फर्दर वो ए से बी गई उसने डिस्टेंस कवर किया एट किलोमीटर पहले फ़ोर किया था उसके बाद जो फर्दर किया एट किलोमीटर तो फ़ोर माइनस एट सॉरी एट एट माइनस फोर अगर हम करेंगे एट माइनस फोर अगर हम करते हैं तो कितना आया फ़ोर किलोमीटर सिक ठीक है देन फर्दर वो बी से बी से सी गई और उसने डिस्टेंस कवर किया ट्वेल्व मीटर ठीक है तो अगर ट्वेल्व मीटर को मैं माइनस करूँगी एट मीटर से विच इज़ इक्वल्स टू फोर मीटर ठीक है तो यहाँ पे डिस्टेंस तो सबका सेम है जब वो ओ से ए गई तो फोर किलोमीटर था फिर ए से बी आई तो इन दोनों का डिफरेंस जो है फ़ोर मीटर आया देन फर्दर जो है बी से सी गई तो हाँ उसने ट्वेल्व मीटर डिस्टेंस कवर किया तो हमने क्या किया ट्वेल्व को हमने एट से एट मीटर से माइनस किया तो हमारा फोर किलोमीटर आया विद इक्वल इंटरवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पे भी उसको टू सेकेंड लगा यहाँ पे भी उसको टू सेकेंड लगा और यहाँ पे भी टू सेकेंड लगा सो so, इस टाइप के हम मोशंस को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन ठीक है जहाँ पे जहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर होता है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन देन मोशन दिस मोशन विल बी अ यूनिफॉर्म मोशन ठीक है सो अब यूनिफॉर्म मोशन का हम ग्राफ देख लेते हैं हमने जो है एक्स एक्सिस में ये जो हमारी एक्स एक्सिस है ठीक है इस एक्स एक्सिस में लिया हमने टाइम और ये जो हमारी वाई एक्सिस है इसमें हमने लिया डिस्टेंस ठीक है और ये जो ये जो है ये जो अपना दिख रहा है ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है मोशन को यूनिफॉर्म मोशन को जिसमें इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है तो इसमें इस टाइप इस के जो भी ग्राफ होता है इसमें ऑलवेज जो है हमारी स्ट्रेट लाइन जाती है ठीक है नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है व्हेन अ ऑब्जेक्ट और अ बॉडी ट्रेवल अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेट टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म ठीक है तो इसमें क्या बोल रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी जब वो ट्रैवल करता है अनइक्वल डिस्टेंस ठीक है यूनिफॉर्म मोशन में क्या था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट नॉन यूनिफॉर्म में क्या है कि वो अनइक्वल डिस्टेंस रहेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन मोशन इज सेट टू बी अ नॉन यूनिफॉर्म ओके सो अनइक्वल डिस्टेंस है और विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन उस मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन सपोज हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सपोज ये कार है ठीक है इसने डिस्टेंस ये डिस्टेंस ट्रेवल किया सपोज टेन किलोमीटर किया ठीक है ओ से वो यहाँ से यहाँ से इस पॉइंट से वो इस पॉइंट तक गई और उसने टेन किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया लेट सी वन आर में ठीक है वन आर में उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया फिर फर्दर उसने थर्टी किलोमीटर ट्रैवल किया ठीक है पहले टेन किलोमीटर किया फिर टेन से थर्टी किलोमीटर किया अगेन वन आवर में ठीक है नेक्स्ट जो है फिर फर्दर वो टेन किलोमीटर थर्टी किलोमीटर से उसने जो नेक्स्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल किया टेन किलोमीटर का ठीक है सो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना डिस्टेंस था टेन और इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस होगा ट्वेंटी और यहाँ पे कितना होगा थर्टी माइनस टेन करेंगे तो ट्वेंटी सो so यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो इक्वल नहीं है ठीक है यहाँ पे अनइक्वल है पहले टेन किलोमीटर किया फिर ट्वेंटी किया फिर ट्वेंटी किया बट जो टाइम इंटरवल है वन आर वन आवर और वन आवर वो सेम है सो so, इस टाइप के इस टाइप के जो डिस्टेंस होता है अनइक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है सो so, इसका ग्राफ क्या होता है इसमें हमने क्या लिया एक्स एक्सिस में हमने जो है टाइम लिया और वाई एक्सिस में जो है डिस्टेंस लिया अब जैसे इसमें अनइक्वल डिस्टेंस होता है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सो इसका जो ग्राफ बनेगा ये जो लाइन है ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगा ये लाइन जो है ऐसे कर्व होगी ये स्ट्रेट नहीं होगी ये कर्व होगी या तो ये ऐसे कर्व होगी या तो ये ऐसे भी कर्व हो सकता है सो so इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है सो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा है एसिलेशन अब हम यहाँ पे देखेंगे एसेलेशन की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होती है सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलासिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इस कॉल एसलेशन ठीक है सो एसिलेशन क्या होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलासिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इस कॉल एसेशन ठीक है सो एसिलेशन को हम कैसे कैसे भी रिप्रजेंट कर सकते हैं फाइनल वेलासिटी माइनस इनिशियल वेलासिटी अपॉन माई टाइम ठीक है final velocity velocity time, अगर हम फाइनल वेलासिटी को फाइनल वेलासिटी को इनिशियल वेलासिटी से माइनस करेंगे और देन उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा एसेलेशन ठीक है एसेलेशन का हम ऐसे भी शॉर्टकट भी है एसेलेशन इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में टी सो हमारा वी ए व, A है हमारा ए रिप्रेजेंट करेगा एसेलेशन वी रिप्रेजेंट करेगा फाइनल वेलोसिटी यू रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल वेलोसिटी और t रिप्रेजेंट करेगा टाइम ठीक है नेक्स्ट हमें इसमें पॉइंट में क्या बता रखा है एसिलेशन इज़ ए वैक्टर क्वान्टिटी एसिलेशन क्या है हमारा वैक्टर क्वान्टिटी है इट्स मीन इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा नेक्स्ट है इसमें इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव एसिलेशन जो है पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी हो, हो सकता है नेगेटिव एसलेशन इज नोन एज रिटार्डेशन और जो नेगेटिव एसलेशन होगा ठीक है उसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन सो नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ एसलेशन अब यहाँ पे हम देखते हैं ऐसा यूनिट क्या हो सकती है एक्सलेशन एक्सलेशन की ठीक है सो एसेलेशन क्या है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम ये होता है ठीक है तो वेलोसिटी के ऐसा यूनिट जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड ठीक है और टाइम की क्या होती है सेकेंड सो एक्सलेशन क्या एसलेशन की क्या यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्क्वायर क्यूब हुआ क्योंकि यहाँ पे एस जो है डबल बार है और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे भी लिखेंगे सो यहाँ पे माइनस टू क्यों आया यहाँ पे माइनस टू क्यों आया जब ये जब ये एस जो है ये एम के नीचे है जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी सो इसकी जो पावर होती है वो माइनस में चेंज हो जाती है सो इसकी एक्सलेशन की ऐसा यूनिट क्या हुई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है ठीक है सो हमारा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ़ इट्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है सो यूनिफॉर्म एक्सलेशन क्या होता है कोई भी ऑब्जेक्ट ठीक है उसको हम यूनिफॉर्म एक्सिलेशन तभी बोलेंगे अगर वो जो है मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है विद इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है तो इस टाइप के हम मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म एसिलेशन सो इसका एग्जांपल है हमारा मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ठीक है कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल हो रहा है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एसिलेशन नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन क्या होता है सो अन अ ऑब्जेक्ट हैज़ अ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज अन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है सो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन तभी बोलेंगे इफ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है अन एकवल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है सो वेलोसिटी कैसे इंक्रीज करिए इक्वल अमाउंट पे विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सो इस टाइप के हम मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन फॉर एग्जांपल अगर हम देखें स्पीड ऑफ अ कार रनिंग इन ए क्राउडेड सिटी क्राउडेड सिटी रोड चेंज कंटिन्यूसली ठीक है तो जब भी कोई कोई सिटी में आप मूव करें जो बहुत क्राउडेड है तो उसकी क्या होगी वेलोसिटी जो है चेंज होती रहेगी कभी स्पीड तेज हो जाएगी कभी स्लो हो जाएगी सो so, इस टाइप के एसेलरेशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ठीक है ये जो एसेलरेशन है बेसिकली सिमिलर होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जैसे आपने पढ़ा था वैसे ही जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है सेम होता है दोनों का सो so, नेक्स्ट है हम सो so, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि रिटार्डेशन क्या होगा तो रिटार्डेशन क्या होता है डी एसिलरेशन और नेगेटिव एसलेशन नेगेटिव एसलेशन और डी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन सो द डिक्रीज इन वेलोसिटी, द डिक्रीज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम ठीक है जब वेलोसिटी, जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम उसको हम बोलते हैं उस मोशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन फॉर एग्जाम्पल वेन वी अप्लाई ब्रेक ऑन अ मूविंग कार ठीक है अगर हम कोई अगर हम कोई क्राउडेड एरिया में जाते हैं ठीक है so, सो वहाँ पे गाड़ी जो है कार आपकी अगर चला रहे हो सो so कभी आप स्पीड उसकी तेज़ हो जाएगी और कभी स्लो हो जाएगी जब आप उसकी स्पीड स्लो करेंगे तो कैसे करेंगे उसकी ब्रेक आप दबाएंगे तभी उसकी स्पीड कम होगी सो so, उस मोशन को जब आपने ब्रेक अप्लाई करी और अप्लाई करने से आपकी जो वेलोसिटी और जो स्पीड है वो कम हो गई तो उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन सो so, रिटार्डेशन का फॉर्मूला क्या है रिटार्डेशन इज़ इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t ठीक है v माइनस यू अपॉन में t वेयर एज a a जो है हमारा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है ए जो है हमारा रिटार्डेशन रिप्रेजेंट करेगा रिटार्डेशन ठीक है ए जो है हमारा रिटार्डेशन रिप्रेजेंट करेगा और वी जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा यू है हमारा इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा और टाइ टी जो है हमारा टाइम रिप्रेजेंट uh, करेगा ठीक है सो इसमें हमने देखा था कि हमारा जो एसेलरेशन, सॉरी जो रिटार्डेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा अब हमारा रिटार्डेशन का जो फॉर्मूला है वी माइनस यू अपॉन में टी है ठीक है सो हमारा रिटार्डेशन, ए जो है हमारा रिटार्डेशन रिप्रेजेंट कर रहा है सो so, रिटार्डेशन हमारा कैसे नेगेटिव आएगा जब हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी इज़ बाय ए इज़ इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी ये हमारा फॉर्मूला है ठीक है सो जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय यू तो जब हमारा यू जो है ग्रेटर देन होगा फाइनल वेलोसिटी से ठीक है जब हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है ग्रेटर होगी हमारी फाइनल वेलोसिटी से इस केस में जो है हमारा एसलेशन जो है नेगेटिव आएगा ठीक है सो इसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन नेक्स्ट है हमारा द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन सो हमारी एसेलेशन की जैसे हमने देखा था कि एसेलेशन की यूनिट थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर से पर सेकेंड स्क्वायर ये हमारी एसेलेशन की ऐसा SI यूनिट थी तो यही हमारी रिटार्डेशन की भी सेम होगी ठीक है नेक्स्ट है इट इज़ अ वैक्टर क्वान्टिटी ठीक है जैसे हमारा एसलेशन जो है वैक्टर क्वान्टिटी था वैसे ही हमारा रिटार्डेशन भी है वैक्टर क्वान्टिटी है इसकी भी जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा सो नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ठीक है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मोशन को हम कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट वन है टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ठीक है सो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो x एक्सएक्सेस है ठीक है इस x एक्सेक्स में हमने लिया टाइम और ये जो y एक्सेस है इसमें हमने लिया डिस्टेंस ठीक है सो टाइम को हम लिखते हैं शॉर्टकट में स्मॉल t और डिस्टेंस इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल s ठीक है सो जब हमें टाइम जो है एक्सेक्स में दिया होता है और y एक्सिस में अगर डिस्टेंस दिया होता है सो so इस टाइप के ग्राफ को ठीक है सो इस टाइप का ये जो लाइन रही है ठीक है इस लाइन को हम बोलेंगे वेलोसिटी या फिर स्पीड ठीक है सो यूनिफॉर्म स्पीड या फिर हम वेलोसिटी बोलते हैं और ये है हमारा टी ठीक है ये हमारा एस हो गया सपोज़ इसी लाइन पे अगर हमें दो पॉइंट दे दिए गए लेट से ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है ठीक है और हमें बोला गया कि ए से बी तक कितनी वेलोसिटी है या फिर कितनी स्पीड है ये बतानी है तो हम वो हम कैसे बताएंगे हम इस ए से एक प्रपेंडिकुलर खींचेंगे टाइम पे ठीक है टाइम पे और एक प्रपेंडिकुलर यहाँ से खींचेंगे टाइम पे और इस पॉइंट को हम बोलेंगे टी वन ठीक है इस पॉइंट को बोलेंगे टी वन और इस पॉइंट को बोलेंगे टी एक मिनट नेक्स्ट मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ यहाँ पे दो पॉइंट हैं ठीक है थीके? यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करा प्रपेंडिकुलर खींचा और यहाँ से एक प्रपेंडिकुलर खींचा ये जो फर्स्ट वन है इसको हमने बोला T1 वन और जो सेकेंड वन है उसको हमने बोला T2 टू ठीक है और फिर यही यही सेम हमने प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर खींचा और इसको हमने बोला S1 वन ठीक है और इसको हमने बोला S2 तो हमें क्या हमें क्या बताना है कि ये जो पॉइंट है A पॉइंट और ये जो बी पॉइंट है इन दोनों की स्पीड या फिर वेलोसिटी बतानी है सो so, हमें पता है स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ठीक है तो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे हमें डिस्टेंस कितना दे रखा है हम कैसे डिस्टेंस निकालेंगे एस टू माइनस एस वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन ठीक है सो अगर हम एस टू से एस वन माइनस कर देंगे सो so हमारा डिस्टेंस आ जाएगा और वैसे ही हम टी टू से टी वन कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा सो so, इन दोनों को डिवाइड करके जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है सो ये हमारा एक नया फॉर्मूला आ गया जो हमें जब हम एन सी आर टी करेंगे तो हमें ये बहुत हेल्पफुल होगा इसे आप याद रखना ठीक है थीके? सो so, हमारा नेक्स्ट ग्राफ है डिस्टेंस टाइम में यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस में हमें टाइम दे रखा है और बाई एक्सिस में हमें डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे ये जो कर्व है ठीक है ये जो कर्व शो हो रहा है ये हमारा क्या है वेलोसिटी और स्पीड अब ये जो कर्व है ये स्टेट स्टेट नहीं है ये जो है कर्व में हल्का तो इस टाइप के ग्राफ को हम बोलेंगे नॉम यूनिफॉर्म स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी ठीक है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा हो होता है कर्व का कर्व टाइप का जैसे ये कर्व है ये इस टाइप का भी हो सकता है और ये कर्व अगर ऐसे जा रहा है तो ये भी हो सकता है ठीक है नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हमारा ग्राफ है टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ठीक है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अब हम देखते हैं क्या होता है फर्स्ट है हमारा यहाँ पे हम टाइम शो हो रहा है और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी शो हो रही है ठीक है so, सो यहाँ पे हमारा टाइम है ये हमारा टाइम है और यहाँ पे हमारा वेलोसिटी है सो so, जब टाइम हमें हॉरिजेंटल में दे रखा है, so है और वेलोसिटी अगर हमें वर्टिकल में दे रखा है सो ये जो स्लोप है और ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है ए ठीक है तो इट्स मीन क्या है ए मतलब एक्सलेशन तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है ठीक है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ठीक है तो इस इस टाइप के हम ग्राफ को बोलते हैं यूनिफॉर्म एसेलेशन मोशन ग्राफ ठीक है इस टाइप को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एसेलेशन मोशन ग्राफ नेक्स्ट है हमारा ये है हमारा टाइम दे रखा है और यहाँ पे हमें जो है वेलोसिटी दे रखी है और ये जो स्लोप है हमारा ये जो स्लोप ये जो जा रहा है ये प्रपेंडिकुलर है टाइम के ग्राफ के अकॉर्डिंगली ठीक है तो इसके प्रपेंडिकुलर पैलर है सॉरी तो इस टाइप के ग्राफ ये जो लाइन शो करिए ये रिप्रेजेंट करता है हमारा एक्सिलेशन सो इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट मोशन यहाँ पे क्या है जैसे 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 टाइम इंक्रीज़ कर रहा है वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं कर रही वेलोसिटी तो एज इज ही है रही है सपोज़ टेन सपोज़ यहाँ पे जो टेन जो टाइम था टेन आवर्स था तो टेन आवर्स में जो है अगर हमारी वेलोसिटी देखेंगे तो वही है उतनी आ रही है अगर यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट लेते हैं ट्वेंटी आर्स लेते हैं ठीक है तो ट्वेंटी आर्स में अगर वेलोसिटी हम, हम देखें तो सेम आ रही है तो इस केस में क्या है जैसे जैसे अगर हम वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं ठीक है तो जो हमारा वेलोसिटी है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी क्या है कॉन्स्टेंट आ रही है तो इस टाइप के हम ग्राफ को बोलते हैं कॉन्स्टेंट मोशन ठीक है नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है सो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की जो इक्वेशन है बेसिकली तीन है और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है इसी तीनों बेस से आपके न्युमारिकल्स हैं वो सॉल्व होंगे आपके जो एन सी आर टी के नुमारिकल्स हैं वो बेसिकली इन्हीं तीन इक्वेशन से आएंगे सो so, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है यू इज इक्वल वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी ठीक है वी इज इक्वस टू यू प्लस ये रिप्रेजेंट ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन ठीक है तो ये भी याद रखना है इस फॉर्मूले के साथ साथ ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें हमारा जो ये स्मॉल बी है ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है स्मॉल यू जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी है और ए हमारा एसल है और टी जो है टाइम है ठीक है नेक्स्ट है हमारा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ठीक है इस टाइप की जो इक्वेशन है क्या रिप्रेजेंट करे इक्वेशन ऑफ पोजिशन टाइम रिलेशन ठीक है पोजिशन टाइम रिलेशन जो है इस टाइप की इक्वेशन यूज करिए एक्स इक्व टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन है इसकी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस इस टाइप की जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करिए इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन सो आपको इन फॉर्मूले के साथ जो है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये भी याद रखना है ठीक है गईस सो so, गईस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी डेरीवेशन ये जो हमने तीन इक्वेशन पढ़ी है इसकी हम डेरीवेशन देखेंगे कैसे ये जो तीनों इक्वेशन जो है निकली ठीक है सो अभी के लिए थैंक यू सो मच अगर आपको इस चैप्टर इस वीडियो से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरी जो मेल आईडी है आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी है आई एम पूनम टू नाइन नाइन वन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम गाइज थैंक यू सो मच